हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुटेक स्मार्ट क्लास। आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू प्रोडक्ट, दैट इज़ गैलीलियो वन। गैलीलियो वन इज़ द ब्रांड ऑफ साइबरनेटिक्स, इट्स अ जर्मन टेक्नोलॉजी ब्रांड। एंड साइबरनेटिक्स प्रेजेंस इन इंडिया लास्ट 10 ईयर्स। सो बेसिकली ये डिवाइस करता क्या है, इसका काम क्या है, ये किसी भी नॉर्मल LED TV को टच में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड थिंग्स, इसमें एंड्रॉयड इनबिल्ट है, सो दैट आपको फिजिकल क्लास के लिए कोई लैपटॉप या PC का रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अभी ये आपके डिवाइस का होम पेज है, इसमें स्पेक्स क्या हैं। एंड्रॉयड वर्जन 8.0 है, 2 GB का रैम है एंड 16 GB का इसमें इंटरनल स्टोरेज है। बेस्ट थिंग्स इज दैट कि इसमें आपको न्यूरा टीच एक बहुत ही पावरफुल टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि साइबरनेटिक्स का ही अपना ओन प्लेटफॉर्म है। इसमें आपके अपडेट्स भी आते रहते हैं, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को भी इससे मीरा कास्ट कर सकते हो। आपको एक न्यूरा कंपेनियन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके थ्रू आप अपने मोबाइल के कंटेंट को अपनी TV में देख सकते हो थ्रू गैलीलियो। सो सबसे पहले मैं आपको न्यूरा टीच को ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या टूल्स हैं और आप इससे क्या क्या कर सकते हो। सो दैट ये आपके दो पेन दिए हुए हैं, दो अलग अलग कलर्स में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसको ग्रीन कलर यहाँ से सेलेक्ट किया है। ओके, सो आपकी ये दो पेन है, फ्रीक्वेंट कलर आप यूज कर सकते हैं। दिस वन इज़ योर हाईलाइटर, सो दैट आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ हाईलाइट कर सकते हो एज पर योर कलर सिलेक्शन। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो। दिस वन इज़ योर इरेजर, आप अगर क्लियर कैनवास पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा स्क्रीन का कंटेंट रिमूव हो जाता है। आप यहाँ से इसको अनडू करेंगे और ये नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन। आप किसी भी कंटेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो ये आपका यहाँ से सिलेक्ट होके और इसको साइज में साइड में आप रिसाइज कर सकते हो। इसका बेनिफिट एक और ये है कि आपका सेम स्क्रीन पे आपको और भी कंटेंट रखने के लिए आपका स्पेस मिल जाता है, सो दैट आपको नेक्स्ट पेज में मूव नहीं होना पड़ता है। समटाइम्स आपको कुछ प्रीवियस पेज का ही रेफरेंस चाहिए होता है, उस केस में आपको फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लेट से मैं दोबारा से कुछ भी लिखता हूँ और अगर मुझे फर्स्ट पेज का कुछ रेफरेंस चाहिए, सो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, सो साइज़ आपका यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। ये ओके, ये आपका टेक्स्ट रिकग्निशन है। आप यहाँ से कुछ भी मैनुअली अगर लिखते हैं तो आपको ये डिजिटल में कन्वर्ट करके अपने आप दे देता है। सो इट्स अ टेस्ट रिकग्निशन टूल। सो मैंने जस्ट अपने हैंड राइटिंग में इसको वेलकम लिखा है और थोड़ी देर में आपको ये वेलकम कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में और ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सो यू कैन रिसाइज इट एज पर योर यूज। कुछ आपके जियोमेट्रिकल टूल हैं, जैसे आपका ये रूलर है, आप इसमें 45 प्लेट से मैंने एक 45 एंगल का एक डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया है, फिर इसको मैं मेज़र करूँगा प्रोटेक्टर से। सो आपको ये दिख रहा है कि ये 45 डिग्री का है। अगर आप इस पर कोई सर्कल ड्रा करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज कंपास टूल, जस्ट राउंड इट। दिस वन इज योर शेप, आप यहाँ से कुछ स्मार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी आपके ये मैनुअल शेप को ये टेस्ट ये रिकग्नाइज कर लेगा कि इसके नियर बाई शेप क्या है। जैसे मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो पता चल जाएगा ये ट्रायंगल है। आपके पास कुछ रेडी टू यूज शेप होते हैं, जैसे लाइन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जैसे मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है सर। और यहाँ से आप नेक्स्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं। दिस वन इज योर स्निपिंग टूल, यहाँ से फ्री हैंड आप अपने कुछ शेप में
कट कर सकते हैं, ये है सर्कुलर स्क्वायर, ये है फुल स्क्रीन। सो दिस वन इज़ योर स्निपिंग टूल, दिस इज योर डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट टूल। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट, मीडिया, कुछ भी आप अगर आपके पास कोई कंटेंट है टीचिंग के लिए, सो दैट आप डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट एंड एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ से आप अपने पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से आपको कुछ ही पेज चाहिए और आप इम्पोर्ट डॉक कर देंगे, सो दैट एवरी पेज को यहाँ पे एक हर एक पेज में इंडिविजुअल वो शो कर देगा। क्लियर है? यहाँ से आप नेक्स्ट जाओगे तो आपके जो पेजेस हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इस पेज में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू KSAR फीचर, नॉलेज सर्च एंड रैंकिंग। सो आपको यहाँ से CBSE का जनरलाइज पैटर्न सिलेबस भी मिल जाता है क्लास 1 to 12 तक। एंड बेस्ट थिंग इज़ दैट कि ये लाइफ टाइम फ्री होता है, इसका हम कोई आपसे चार्ज नहीं करते हैं। सो दैट जो लगता है कि आपके यूजफुल कंटेंट है उसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली आप माई क्लाउड यूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कोई टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, मुझे इसे सर्च करना है, तो ये एक बेसिकली सर्च इंजन है एजुकेशन टॉपिक के लिए। KSAR में माई क्लाउड एक सर्च इंजन है, इसके थ्रू आप एजुकेशन का कोई भी टॉपिक रिसेंटली या लास्ट पास्ट कुछ भी आप एजुकेशन से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। कंडीशन यही है वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसमें लगता है कि ये पिक्चर हमारे लिए रेलिवेंट है, ये पिक्चर हमारे लिए रेलिवेंट है, इसमें इसका डेफिनेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपको जस्ट डबल क्लिक करना है, आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टेस्ट ड्रैग कर देना है, और इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आपको जो लगता है, जैसे सपोज दैट मैं इस वीडियो को सुनना है या ये वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप अपने इमेज को इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो आपका वीडियो भी यहाँ से प्ले हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टूल की तरफ। इसमें एक PHET है, फेट। फेट का यूज हम 3D में एनिमेशंस के लिए यूज करते हैं कि किसी भी टॉपिक्स पे हम 3D में स्टूडेंट्स को अपने उसका इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। लेट्स से मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं, जैसे मैं फिजिक्स का एक टॉपिक लेता हूं, ओम्स लॉ। सो फिजिक्स में मैं जाता हूं, ओम्स लॉ को यहां से सेलेक्ट करता हूं। अब इसमें मुझे ये दिखाना है कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है उसके किस चीज़ के इंक्रीज से किस पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो थोड़ा सा नेट स्लो है गाइस, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से इस चीज को कनेक्ट किया है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। सो ये आपका V=I×R का रिलेशन है। अब करंट अभी जो है वो 9.0 मिली एम्पियर है। लेट से मैं अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है रिलेशन के अकॉर्डिंग करंट बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज को मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा तो करंट की वैल्यू यहाँ से आपकी बढ़ जाएगी। अब इस पॉइंट पे अगर करंट 18 मिली एम्पीयर है, मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू 9 मिली एम्पीयर हो गई। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं ड्रॉप करता हूं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और यही हमारा रिलेशन है ओम्स लॉ का, कि अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज और करंट ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये फिजिकल रिलेशन हम यहाँ से स्टूडेंट्स को अगर दिखा दें तो वो उनके माइंड पे जल्दी इम्पैक्ट करता है। अब इस चीज़ को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, हमें अपने स्क्रीन पे लिए जाना है, सो दैट ये मेरा रिजल्ट सामने है और इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ।
एक रिजल्ट मैं आपको और दिखाता हूँ कि अगर मुझे बच्चों को सर्किट एक बेसिक एक सर्किट बना के दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि एक सर्किट कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब लेट्स से मुझे एक डीसी बल्ब है, डीसी बल्ब को जलाने के लिए मुझे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट चाहिए, तो मैं इस टूल्स के थ्रू बच्चों को इजीली से सिखा सकता हूँ। उसमें क्या वोल्टेज है, क्या रेजिस्टेंस लगाने के पहले कितना वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के बाद कितना ड्रॉप करता है, बल्ब कैसे चलता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। सो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये मेरा टूल्स है, इसमें मैंने बल्ब को यहाँ से सेलेक्ट किया, ये मेरा बल्ब है, ये बैटरी सोर्स है, एक स्विच चाहिए कंट्रोल के लिए, और एक रेजिस्टेंस चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये वायर से मैं इसका कनेक्शन करूंगा। अभी मेरा एक सर्किट डायग्राम बन के रेडी हो गया है। बेसिकली मैंने एक बैटरी सोर्स लिया है, एक स्विच लिया है कि जब भी मुझे बल्ब को जलाना है तो स्विच को मुझे प्रेस करना है, अदरवाइज जो ओपन केस में, तो अभी सर्किट ओपन है, इस केस में बल्ब अभी आपका नहीं जल रहा है। जैसे मैं इस स्विच पे प्रेस करूँगा सो दैट आपका बल्ब जल जाएगा। अब मुझे ये भी दिखाना है कि बैटरी का वोल्टेज क्या है, करंट का जो आपका रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है, सो दैट मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करना है। तो ये दिखा रहा है बैटरी आपकी 9 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, और जो बल्ब है वो भी 10 ओम का इसका अपना रेजिस्टेंस है। अब मुझे एग्जैक्ट इसको मेज़र भी करना है मल्टीमीटर से। इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीमीटर एक ऐसा टूल होता है जिससे आप करंट वोल्टेज को मेज़र कर सकते हो। अब मुझे ये देखना है बैटरी 9 वोल्ट की है कि नहीं है, सो मैं इसके रेड प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा, और इसके नेगेटिव, इसके ब्लैक प्रोब को मैं बैटरी के ग्राउंड पे यानी ब्लैक पे कनेक्ट करूँगा, सो दैट रिजल्ट इज़ फ्रंट ऑफ यू, बैटरी वोल्टेज इज़ 9 वोल्ट। आफ्टर रेजिस्टेंस आपका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है वो भी हम यहाँ से सिमिलरली चेक कर सकते हैं। सो यही है वी इक्वल टू आई आर का फार्मूला। सो रेजिस्टेंस लगाने के बाद में आपका जो वोल्टेज है वो 4.5 वोल्ट है। ये भी ये दिखा रहा है कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। तो हम हमेशा बच्चों को ये सिखाते रह जाते हैं कि करंट के जो करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं, इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं यहाँ से, एंड रिजल्ट इज फ्रंट ऑफ यू। कुछ यहाँ से भी आप टूल्स यूज कर सकते हैं, स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट से हम क्या दिखाना है, चीज़ें क्या हाइड करनी है, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। इसके आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। स्क्रीन कर्टेन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़्यादा यूजफुल होता है। लेट्स से मेरा ये पार्ट एक क्वेश्चन है और मैंने आंसर को हिडन करना है, सो दैट मैं हिडन कर सकता हूँ।
और देन मैं उसको शो करता हूँ, इसके साइज को भी मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हो, आपको अगर कुछ गूगल पे इंस्टेंट जाना है, कोई पिक्चर सेलेक्ट करना है कोई, तो आप वेब ब्राउज भी कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई दूसरा विंडो नहीं सेलेक्ट करना है, जस्ट यहाँ से आप आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हो एज पर योर टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैलीलियो वन।